सो गाइस ये देखो नाग, देखो नाग सब पर्दास। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस अभी अपन इधर हाईवे पर है, हाईवे पर से मैं एक्चुअली हाईवे से लॉग इन किया हूँ और गाड़ी का ज़्यादा शोर है, आवाज़ ज़्यादा आने रहा होगा मेरा। तो गाइज अभी मैंने जस्ट एक सेकंड पहले लॉग इन किया है, मैंने GoPro का सेटअप कुछ लगाया नहीं है। ठीक है गाइज, मैं पहले GoPro का सेटअप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। सो गाइज ये देखो नाग, देखो नाग सब पर्दास। खतरनाक नाग है, देखो 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 ना, देखो 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 जबरदस्त गया उधर। त्यांनी फोन काढला होता ना, मी पाहिलं तुमची तुमच्या गाडीचा आवाज ऐकून आहे ना, त्यांनी इतका जबरदस्त फोन काढला ना, त्या खड्ड्यात गेला, त्या खड्ड्यात लो खतरनाक। मला काय वाटलं ती धामा नाही, काय माहिती उचलली ती, पण ती कोबरा होता त्याला। हा एका या खड्ड्यात गेला, या खड्ड्यात। हा एवढा फोन उचलत नाही, आता पळत तो कोपरा देणार आत्मत त्यो। सो गाइस अपना सेटअप कंप्लीट हो गया, आपण निकले थे और इधर देखो इतना डेंजर नाक था ना, इधर गए हो उसके उसके अंदर, वो बिल के अंदर गए हो, वो बिल के अंदर इतना जबरदस्त नाक था ना, बहुत खतरनाक नाक था। और अपने GoPro के अंदर, मैं GoPro चालू था, GoPro के अंदर होगा रिकॉर्ड, GoPro के अंदर रिकॉर्ड होगा, लेकिन मैं निकला, मेरे को लगा धामन है वो, धामन जो कि उसको अपन ये बोलते हैं ना क्या, रेड स्नेक बोलते हैं, रेड स्नेक, मैंने सोचा धामन है तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन अभी आपने को थोड़ी फार तो जानकारी है उसकी, जो कि उस प्रैक्टिकल कोबरा था, मेरे को उसकी पूरी जानकारी अच्छे से, लेकिन वो जो बुलेट वाला बंदा था ना, जब उसने फोन निकाला ना, वहाँ कसम हम को काटा आ गया, ऐसे गुज बम्स आ गए ना खतरनाक। मैंने बोला बाप नहीं रे भाई, कम से कम अभी वीडियो के अंदर कैसा आया होगा पता नहीं, GoPro के अंदर, मैंने तो GoPro के अंदर शूट किया उसको। और देखो नीचे की जमीन है ना सेम कलर की, वो जो नाक था ना स्पेक्टिकल कोबरा, उसके कलर की जमीन है, उसके कलर का नीचे का झाड़ पाला गिरा है। तो गाइज चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे को अहमदनगर फूडी का ऑर्डर गिरा है, साला नीचे से नाग आ जाएगा भाई, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है चलो, सो गाइज चलो ले लिया अपने अहमदनगर फूडी का ऑर्डर, निकलते हैं। सो गाइज अपने को ये अहमदनगर फूडी का जो ऑर्डर गिरा था, ये है सी आई वी कॉलोनी मुकुद नगर अहमदनगर, तो अपने को ये थोड़ा सा आगे जाके राइट मार के लेफ्ट मारना है। ठीक है, तो अभी यहाँ मुकुद नगर में ना कैमरा लगा के जाने का बोले तो ऐसे लोग रिएक्शन निकालते ना, ऐसे तीड़े भिंगे देखते ना, करके मैं इधर मुकुद नगर में ना कैमरा लगा के जाता नहीं। सो गाइस दी थी अपन ने इस घर में ऑर्डर CIV के, जो कि इधर है ना CIV में ये बॉम्ब है साले, इधर रास्ते अच्छे नहीं है, मेरे दो बार गाड़ी इधर ही पंचर हुए, इधर CIV में पंचर वाले ज़्यादा है क्या मालूम, खिल्ले बिल्ले घुसे ना, खिल्ले बिल्ले फेंक के रखते क्या मालूम। चलो CIV में आया ना मेरी गाड़ी पंचर होती है, इधर है ना बहुत संभल के गाड़ी चलाना पड़ेगी, है ना, दो बार गाड़ी पंचर हो गई मेरी CIV में जो गया, और उसमें भी खिल्ले निकलते, कांटे नहीं निकलते, खिल्ले निकलते। तो फिर इधर बराबर इनका इधर के पंचर वाले का प्लान करेंगे, CIV के पंचर वाले का, बाहर का जो बंदा आया गाड़ी में खिला डालेंगे, पंचर करेंगे, 50 रुपये पंचर बोलेंगे। चेक थे सेकंड ऑर्डर, इधर से रंजीत ही पास है बोले तो रंजीत का ही ऑर्डर गिर सकता है, गारंटी ज़्यादा भी है कम भी है। ठीक है देखते हैं चलो। मुझे सेकंड ऑर्डर गिरा है थापर केक शॉप का, जो कि मुझे नहीं देना है, मुझे ना थोड़ा काम है, मुझे सिटी में जाना है, लेकिन मैं ऑफलाइन भी नहीं कर सकता, मेरा ऑफ़र चालू है ना, इसके लिए ऑफर ऑफलाइन गया तो ऑफ़र चले जाएगी, अगर ऑफ़र नहीं किया तो मेरे को कंटिन्यूसली ऑर्डर दिया क्या ऑर्डर गिर रहा है। मुझे थोड़ा सिटी में काम है, जो कि मुझे आधे घंटे के लिए जाके उतना काम करना है, बट मैं ऑफलाइन भी नहीं जा सकता। तीरी तो तीरी करे बाप। सो गाइस पिज्जा को 10 मिनट बाकी है, तब तक मैं ना मेरा काम करके आता हूँ, 5 मेरा काम करके आता हूँ 15 मिनट में, तो 5 मिनट लेट होगा,
होने दो, लेकिन मेरा काम जरा अर्जेंट है। तो अभी मैं थापर के पास रीच हुआ, रीच होके निकल रहा हूँ मैं, जल्दी से जाके मेरा काम करके आता हूँ। और ऐसे ही देखो, अभी टूपी के वास्ते में गाड़ी को आड़े आ गया वो। अगर मेरे जगह पे अगर स्पीड में होती गाड़ी 100 के स्पीड से ना, तो लेके जाता उसको टोपी के साथ हो। तो गाइस चलो मैं जल्दी जाता हूँ, क्योंकि अपने को 15 मिनट में रिटर्न आना है। मेरे को कॉल आएगा 100%, मेरे को पता है रेस्टोरेंट का, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट पे रीच करके मैं वहाँ से गायब हूँ। सो गाइस अपना काम हो गया है, अपन जा रहे हैं। अपने को 5 मिनट ऊपर हो गए, ऑर्डर रेडी होके 5 मिनट हुए, मतलब ऑर्डर रेडी हुआ और अपना थोड़ा काम बाकी था, काम कंप्लीट हुआ, 5 मिनट ऊपर हो गए अपने को। किसी का कुछ कॉल आया नहीं, कुछ नहीं। अभी तारकपुर जाएंगे, थापर पे पिज्जा ले लेंगे, निकलेंगे भिंगार। चलो गाइस टेंशन गया अपना, बहुत बहुत टेंशन था मेरे को, जल्दी से जल्दी जाना था उधर, वो काम हो गया। चलो गाइस गाइस अपने ले लिया है थापर से पिज्जा। बंदा बोल रहा है लेट झाले क्या ना, लेट झाला है, ऑर्डर रेडी करून ठेवलेली मी। मैं उसको बोला ही नहीं, मैं इधर आके पिक रीच करके गया था थोड़ा सिटी में, म्हणून हा ना थोड़ा उशीर झाला यायला। अभी अपन जा रहे भिंगार को, बहुत धूप है, बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसके लिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बहुत बोले तो बहुत ज़बरदस्त धूप, बहुत टेम्परेचर खतरनाक, 40+ टेम्परेचर। भिंगार का सदर बाजार चौक में ना 12 महीने ऐसी गर्दी रहती है। एक तो यह रास्ता छोटा, ट्रैफिक पुलिस वाले रहते नहीं, रास्ता छोटा तो छोटा, उसमें भी 1760 खड्डे हैं, और कोई भी किधर से भी घुसा रहता है। ट्रैफिक पुलिस वाला तो ये पॉइंट पर रहता नहीं, कब रहता, शिव जयंती ऐसा कुछ फंक्शन विंक्शन रहा ना तो ही रहता। क्या गिरा भाई इनका प्लेट गिरा, अच्छा पार्टी पार्टी चल रही है ना, पार्टी का यूज़ करो, प्लेट लेके जा रहे भाई। तो कुछ जयंती मिरवणूक रहेंगी ना, तभी सदर बाजार चौक के अंदर डिपार्टमेंट खड़े रहते, नहीं तो बाप रे बाप, या तो सैटरडे के दिन बाजार रहता ना, सैटरडे रहता आई थिंक। देखो देखो रिक्शा वाला, देखो रिक्शा वाला, ऐसा ऐसे लोग रहते थे, देखो ऐसे लोग रहते ना, करके ऐसी झकमारी होती, इतनी गर्दी हो जाती, ट्रैफिक जाम हो जाता इधर। ये 12 महीने बरस के 12 महीने सदर बाजार चौक में ऐसे लफड़ा इधर भिंगार को। सो गाइस आपने दे दिया ऑर्डर, अभी अपन किधर, तो भी चाव को खड़े रखे, ठंडा पानी पी लेंगे, ठीक है चलो। सो गाइस धूप इतनी डेंजर धूप है ना, तो उसके अंदर ये ब्लैक टी शर्ट है ना, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक धूप है। बर्फ का पानी ला लिया अपने, बर्फ का इतना ठंडा पानी है ना, बहुत ठंडा पानी। तो अपन गए थे अभी भिंगार, भिंगार गए थे अपन ने, और वो पिज्जा का ऑर्डर था, ऑर्डर तो दे दिया, अभी रुके इधर छाऊ में, जबरदस्त हो गया। देखते अभी कहाँ का ऑर्डर कितना है, यहाँ पर तो पीछे साइड को अहमदनगर क्लब है, उधर होटल रंजीत है, अपन दोनों के बीच में रुके हैं, करते हैं ये छाऊ में वेट। काले टी शर्ट के ऊपर ज़्यादा धूप लग रही है, खतरनाक, वेट करते हैं, देखते कहाँ का ऑर्डर गिरता है, कहाँ करें, ठीक है चलो गाइस जाते हैं, अभी जाते हैं उधर ही रुकते छाऊ में। चलो तो गाइस अपन जा रहे हैं अभी सिटी में, क्योंकि इधर तो मुश्किल है, खड्डे में पटके गई, खड्डे में पटके गए दीदी, खड्डे में पटके गई, तो यहाँ पर तो मिलना मुश्किल था, करके फिर मैं रुका नहीं, मैंने बोला चलो सिटी में जाएंगे, क्योंकि इस साइड तो बस दो ही रेस्टोरेंट है ना, एक अहमदनगर क्लब और दूसरा भिंगार का, भिंगार अपना बुरा नगर का रंजीत, और भिंगार का सदर बाजार का भी जो रंजीत है उसका कुछ ज़्यादा ऑर्डर लगते नहीं। सो गाइस कंपनी जरा ज़्यादा चेड़े चाले कर रही थी, बोला क्या समझा क्या बोल रहा मैं कंपनी को। तारकपुर से स्वाद बिरयानी का पिकअप गिरा है, देने का वहाँ से 4 किलोमीटर, टोटल 8 किलोमीटर पिकअप एंड ड्रॉप है 40 रुपये में, दिमाग खराब हो गया ना, अभी क्या बोलूँ मैं, ऑर्डर भी गायब सब कुछ गायब, फिर ऑफलाइन चले जाऊँगा ऑर्डर लेके मैं। हाँ यार फिर अपन कर रहे इज्जत में काम, तो फिर सीधा इज्जत में पिकअप दो, कुछ भी पागलपंती कर रही है कंपनी, मजा के क्या, 4 किलोमीटर पिकअप और 4 किलोमीटर ड्रॉप का कंपनी दे रही है 40 रुपये, अरे स्विगी भी नहीं देता भाई इतना कम। स्वाद बिरयानी के पास अपन पहुँचे नहीं, उसके पहले कस्टमर का फोन आया, बोले सर जी अब तो तुम्हारा बिरयानी की ऑर्डर पड़ ली ना, बोले ती साईदीप हॉस्पिटलला द्यायची है, साईदीप हॉस्पिटल वहाँ से तो 4 किलोमीटर तो आएगा नहीं स्वाद बिरयानी से, शायद उन्होंने एड्रेस एक डाला होगा और देने की कोई साईदीप में देने की है, तो अभी मैं बिरयानी हाउस के पास जाके पता चलेगा मेरे को। तो बिरयानी के बाद से घिन बढ़ गई, खाने को दिल नहीं बोलता, बराबर है, साईदीप हॉस्पिटल ही डालेला है, फिर कहीं को फ़ोन किया पागल ने। चलो हाँ कैमरा कैमरा यूट्यूब हाँ चैनल है, ये मैं 16 राइडर हाँ
अपने लिए स्वाद भी नहीं रही पिकअप करे कि नहीं भाई, अपने ऑर्डर गड़बड़ गड़बड़ में पिकअप करने का भूल गया, उनको चैनल का नाम बोलते बोलते नहीं पिकअप नहीं करे मेरे को मालूम था। अच्छा अभी आपने ऑर्डर किया पिकअप साई थी हॉस्पिटल सेकंड फ्लोर, अपन तो सेकंड फ्लोर क्या कौन सा फ्लोर पे जाते नहीं है, नीचे बुलाते कस्टमर को। सो गाइस चलो मेरे को लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कस्टमर ने मेरे को फ़ोन करके बोला क्यों साईदीप हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है ना अच्छे से, तो ज़रूरत नहीं थी बोलने की। ठीक है कोई ना, तुम जाते साईदीप हॉस्पिटल दे देते ऑर्डर। चलो अहमदनगर जिला परिषद नहीं क्या ये जिला अधिकारी कार्यालय अहमदनगर जिला अधिकारी। ओ माय गॉड ये देखो फूल क्या न्यूज़ डाल रहे इधर बोला कि जाते हैं साईदीप हॉस्पिटल, मिलते हैं अभी डायरेक्ट। मैं तो मेरा तो चल रहा है प्लानिंग सीधा घर जाऊँ सो जाऊँ, अभी कुछ काम करने का नहीं कुछ नहीं था, फुल टेंशन आया है कि धूप है ना खतरनाक 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 गाड़ी गाड़ी गाड़ी। अरे ये स्पीड, अरे इसकी तो पूरी गाड़ी गल की चली, अरे इतना भगा रहा फुल गाड़ी चल के। सो गाइस ये है साईदीप हॉस्पिटल और अपने को ये क्या बोल रहे मामू देखा मैंने घर पे जा रहे नहीं नहीं ये ऑर्डर देने का था, तुम कहाँ जा रहे घर पे जा रहे क्या निकला वाली आप हाँ क्या कौन कौन आया नहीं मैं अकेले शायद डॉक्टर नहीं था ना हाँ तो वो डॉक्टर गया किस तारीख के बाद आएगा तो मैंने वो नाम इन वीडियो दवा ला के नहीं नहीं ऐप में जोमेटो ऐप में पंजाबी तड़का। सो गाइस अपन साईदीप हॉस्पिटल की ऑर्डर देने के लिए आए थे, वहाँ पे अपने को मिले मामू मामू मिले, मेरे हेलमेट की कांच काली है ना तो मामू मेरे मुंह को ऐसे देख रहे, उन्होंने गाड़ी पहचानी थी ना गाड़ी पहचानी थी ऐसे झुक के मेरे हेलमेट के पास देख रहे। मैंने कांच खोला मैंने बोला क्या मामू, बोले अरे मेरे को लगा कौन है क्या मालूम पर मैंने गाड़ी पहचाना तो बोले। तो फिर अभी मैंने उनको वो साईदीप हॉस्पिटल में आए थे मेरे नानी की दवा लाने के लिए, तो कि उनका घर है तो फिर उनको क्या करा मैंने घर पे छोड़ा, बहुत धूप थी ना उनके, तो पहली बात तो मेरे किसकी गाड़ी पे बैठते नहीं डरते हो गाड़ी पे बैठने को, तो फिर अभी उनको घर पे छोड़ा। मेरे को घर से पंजाबी तड़के का ऑर्डर लगी, अभी मैं जा रहा हूँ मतलब मेरे घर से नहीं नानी के घर से पंजाबी तड़के का ऑर्डर गिरी, तो अभी मैं जाता पंजाबी तड़का ले लेता ऑर्डर। ठीक है गाइस चलो। ओ माय गॉड खतरनाक धूप खतरनाक, जल्दी से जल्दी आ गए अपन पंजाबी तड़का के करीब करीब। ये रहा 100 meter के राइट हैंड साइड को पंजाबी तड़का तड़का तड़का, ये पंजाबी तड़का ऑर्डर तो रेडी करके रखा है, देखेंगे ऑर्डर रेडी। चिकन दम भी रहने दो ना, अपने को जाने का नालेगांव ये ऑर्डर देने के लिए, सो लेट्स सी चलो जाते हैं नालेगांव। सो गाइस ये है रेसिडेंशियल हाई स्कूल और अपन जा रहे हैं अभी दिल्ली गेट से नालेगांव फोटो गैलरी हाउस, देखो ये पुलिस मुख्यालय है उसके सामने एग्जैक्टली न्यू आर्ट्स कॉलेज है, तो यहाँ पर अगर डेली दिन में से 10 times नहीं तो कॉलेज छूटने के टाइम अगर ज़रा दिलासा सेल की गाड़ी खड़े रहेंगे ना एक भी निब्बा निब्बी यहाँ पे दिखेंगे ना, एक भी निब्बा निब्बी, और ज़्यादातर अक्सर निब्बा निब्बी है ना इसके अंदर होते हैं पता है, ये सिद्धि बाग यहाँ पे निब्बा निब्बी लोग। देखो देखो क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, दिल्ली गेट कैमरा लगे भाई हर जगह कैमरा लगे हर जगह। मैंने बोला सर आलो ही बाहर, एक कदम बाहर आके ऑर्डर ले सकता था लेकिन बोलता या ना। ठीक है भाई अभी देखो मेरे को है ना किसी कस्टमर के साथ फाइट करके लड़ाई करके मूड ख़राब करने का नहीं रहता है, क्योंकि मेरे को पूरा दिन काम करना पड़ता है वीडियो बनाना पड़ता है, तो किसी के साथ अगर फाइट करूँगा लड़ाई करूँगा मूड ख़राब करूँगा ना तो मेरा पूरा दिन ख़राब चले जाता है, तो करके छोटी सी बात से मैं किसी के साथ बहस नहीं करता छोड़ देता। अभी क्या उसने बोला सर दोन दोन दोनी वाले खिला भी दो, तो खिला देंगे क्या करेंगे अभी ना बेशर्म लोग यार, इतने बड़े बेशर्म लोग मैंने आज तक देखे नहीं है। अरे भाई बंदा 6 kilometers से तेरा खाना लेके आ रहा है और तू बोल रहा है एक कदम बाहर नहीं आ सकता, तू बोलता या ना आत्मदी या बोल रहा है अंदर आ बोल रहा है। अरे वाह मेरे भाई बच्चा ना हुआ, बोले सर दोन घास खाऊ गाला ना माला दोनी वाले मेरे को खिला दो ना तो ही मेरे को हजम होगा।
एज अ डिलिव्हरी बॉय दोन घास खाऊ घाला मला. अरे वा लहान ते चाले तुम्हारे उभे. चलो गाइस देखते अभी काकी ऑर्डर गिरती है. सो गाइस अपन ने दे दिया है ऑर्डर वो फोटो हाउस में और रुके थे दिल्ली गेट में चौक में टाइम लैप्स लेने के लिए. टाइम लैप्स लेने के लिए और टाइम लैप्स लिया और एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया एकदम उबलते हुए चाय का ज़बरदस्त. और अभी हम जा रहे हैं फिर से सिटी के अंदर. अभी सिटी बाग है ना, सिटी बाग से इधर से जाना कि इधर से जाना, इधर से जाना कि इधर से जाना, इधर से जाना कि इधर जाना. चलो यहीं से जाएंगे दिवाग के सामने से, न्यू आर्ट्स कॉलेज के सामने से. चलो गाइस अभी कुछ ऑर्डर का फ्लो डाउन है, कुछ समझ नहीं आ रहा ऑर्डर नहीं गिर रहा है. सो गाइस अपने को गिरा है प्रोजेक्टो का ऑर्डर. ये है प्रोजेक्टो, इधर एसी में बैठेंगे अपने. पुलिस वाले क्यों आए भाई, कुछ तो भी खाने के लिए आए. कैसे देख रहा पुलिस वाले. सो गाइस अपन अभी कैफे में बैठे थे, वो पुलिस वाले भी बैठे थे बराबर. उसके बाद मैंने कैमरा बंद नहीं करा, वो वीडियो डिलीट करा. क्यों? एक निब्बा निब्बी थे तो निब्बे ने पूछा भाई ये क्या है. मैंने बोला कैमरा है. बोले चालू है क्या? मैंने बोला ये 24 आवर्स चालू रहता है, जब तक मैं घर के बाहर रहता हूँ ना बाइक के ऊपर तब तक ये चालू रहता है. बोले भाई ये मेरी निब्बी है, ये मेरी निब्बी है, इतना वीडियो है ना ट्रिम कर दें डाल मत, क्या होगा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग निब्बा निब्बी है. मैंने बोला ओके भाई नो प्रॉब्लम, ट्रिम कर देता हूँ डिलीट कर देता हूँ. तो गाइस अपन ने ये जो लास्ट प्रोजेक्टो का ऑर्डर लिया है अपने को देने का है साई मुरली लॉन्च के, साई आनंद लॉन्च कुछ अपने लॉज कुछ तो भी है वहाँ पे देना है. आशा स्क्वायर के सामने ही एग्जैक्ट आशा स्क्वायर चौक में ही है. तो इतना ऑर्डर दे के अपन जाएंगे घर. कब अच्छे होंगे, अभी आशा स्क्वायर चौक है, आशा स्क्वायर के रास्ते देखो कैसे. ये तो मेन अहमदनगर है, मेन अहमदनगर का मेन सिटी है. कौन सा पिक्चर चालू है भैया? पर बलोच अभी पिक्चर छूटने का टाइम हो चुका है, घर की देखो फिल्म तीन लिया बलोच घर की देखो. फुल कर दी है. चलो गाइस ये देखो सामने सही आशीर्वाद लॉज है, दे देंगे अपन ऑर्डर. चलो सो गाइस अपन ने दे दिया है वो सही आशीर्वाद लॉज का ऑर्डर और अभी अपन जा रहे हैं घर पर. अपनी शिफ्ट हुई है ख़त्म, मतलब गिग्स ओवर हो चुका था ना, नहीं तो अपन करने वाले थे और एक दो ऑर्डर, लेकिन मैंने 3 से 4 का गिग्स भी बुक नहीं किया तो मूड भी नहीं था क्योंकि धूप बहुत हो गई, इतनी खतरनाक धूप है ना बाप, हाथ पूरे काले काले गिर गए. सो गाइस जाता हूँ अभी घर पर, घर जाके करता हूँ वीडियो की एंड. ठीक है गाइस चलो. सो गाइस फाइनली अपन घर पे आए और देखो ये फेस का अवतार देखो, अब तक मैंने मुंह हाथ पो भी नहीं धोया, फ्रेश भी नहीं हुआ, पूरे हाथ पो काले गिर गए. वैसे ही काम पे से आया, वैसे ही वीडियो एंड करने के लिए कैमरा ऑन किया. सो गाइस आज का वीडियो है ना, मतलब कल का वीडियो, आज मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया क्योंकि कल क्या हुआ था दोस्त लोगों के साथ बैठा था, एडिटिंग को टाइम नहीं मिला तो वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट हुआ. घर के वाईफाई का कनेक्शन कट हुआ है मतलब वो बाहर से कट हुआ है, अपना कनेक्शन कट नहीं हुआ है तो ऊपर से कट हुआ है तो उसको टाइम लगने वाला है. तो फिर मेरे को फ्रेंड के वाईफाई पे जाके वीडियो पोस्ट करना पड़ता है तो कल टाइम होने की वजह से मेरे को आज सुबह अपलोडिंग को लगाने को कुछ मिला नहीं तो मैंने 12-1 बजे वीडियो पोस्ट किया है. तो आज मैं हो सके उतना जल्दी फास्ट एडिट करके अभी गाड़ी चार्जिंग को लगाऊंगा और एडिट करके नाइट में अपलोडिंग को लगा दूंगा, बोले तो सुबह 8-9 बजे वीडियो आ जाएगा. ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. मिलता हूँ कल कोई अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. चलता है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके.